स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में आपके न्यू चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 8, स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट. फाइंड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन द वर्ड ग्रिड. यहाँ पे एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के नेम दिए हुए हैं, आपको सर्च करना है. ठीक है, इनमें से जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट की स्पेलिंग कहाँ मैच हो रही है तो ये आपको करना है. जैसे CRICKET, ये देखिए, तो इस पर आपको ऐसे पेंसिल से सब बॉक्स बनाना है. ठीक है, मैंने कि ये बेसबॉल ढूंढा है, ऐसे ही आपको भी फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट है, हाय आई एम अमित, आई एम 7 इयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 2. हाय, मैं अमित, मेरा नाम अमित है और मैं 7 इयर्स का हूँ एंड मैं 2nd में पढ़ता हूँ. आई लव स्पोर्ट, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. आई हैव 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 5 मेम्बर्स हैं. वंस ऑन अ संडे माई फैमिली एंड आई वेंट टू वॉच अ क्रिकेट मैच. एक दिन संडे को मैं और मेरी फैमिली क्रिकेट मैच देखने गए. वी लव टू वॉच एंड प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है. इट वॉज अ मैच बिटवीन इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, यह मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था. इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, वह बहुत ही एक्साइटिंग था, मतलब मज़ेदार था. वी शॉ मैनी फेमस क्रिकेटर्स, हमने वहाँ पे बहुत से फेमस क्रिकेटर देखे, जैसे सचिन एंड MS धोनी. अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट वी लाइक टू प्ले मैनी अदर्स स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा हमें और भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है. वी लाइक, हमें जैसे फुटबॉल एंड हॉकी. दीज स्पोर्ट्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, ये स्पोर्ट्स आउटडोर गेम्स कहलाते हैं. जो हम बाहर खेलते हैं ना, तो वो आउटडोर गेम्स होते हैं. अदर आउटडोर गेम्स आर जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल. इट इज़ गुड टू प्ले आउटडोर गेम्स, अदर स्पोर्ट्स गेम जैसे ये है, टेबल टेनिस है आपका, बैडमिंटन है, ये भी बहुत अच्छे होते हैं खेलने के. ठीक है, आउटडोर गेम्स. इट कीप्स योर मैन बॉडी एक्टिव, ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है. बट हाउ डू यू कीप योर माइंड एक्टिव, लेकिन हमारा माइंड कैसे एक्टिव रहेगा, बाय प्लेइंग इंडोर गेम्स, इंडोर गेम खेलने से हमारा जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा. ओके, ऑन समडे वी प्रिफर टू स्टे इनसाइड द होम, कभी कभी हम घर के अंदर भी खेलना पसंद करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडोर गेम्स बोलते हैं. ऑन दोज डे वी लव टू प्ले जैसे चेस एंड कैरम, ठीक है, चेस एंड कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं. अदर इनडोर गेम्स आर जैसे लूडो हो गया, स्क्रैबल हो गया एंड कार्ड्स हो गया. तो ये आपके जो होते हैं ये इनडोर गेम्स होते हैं, और जो घर के बाहर खेलते हैं आप तो वो आउटडोर गेम्स होते हैं. ठीक है, डिफरेंट स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं, उनको खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है. जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट एंड बॉल की ज़रूरत होती है, टेबल टेनिस के लिए हमें रैकेट एंड बॉल की ज़रूरत होती है एंड नेट की. ठीक है, बैडमिंटन के लिए भी रैकेट एंड शटल कॉक की ज़रूरत होती है. सम इंडोर गेम्स नीड अ, कुछ इंडोर गेम्स होते हैं जैसे कैरम, उसके लिए हमें डाइस, कैरम बोर्ड एंड क्वेंस की ज़रूरत होती है. इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्ले एट लिस्ट 1 आउटडोर एंड 1 इंडोर गेम्स, हमें डेली एक आउटडोर और एक इंडोर गेम खेलना चाहिए. दिस विल कीप बोथ माइंड एंड एक्टिव रहता है, इससे क्या होता है हमारी बॉडी एंड माइंड हमारा एक्टिव एंड फिट रहता है. ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था. अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज है. अमित हैज़ कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली. अमित्स फैमिली वेंट टू वॉच अ क्रिकेट. लॉन टेनिस इज अ आउटडोर गेम्स, चेस इज अ इंडोर गेम. ठीक है, अब ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं. जैसे वेयर डिड अमित गो विथ हिज फैमिली, कहाँ गए थे, वॉच अ क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच देखने गए थे. नेक्स्ट है, वाई आर आउटडोर गेम्स गुड फॉर अस, हमारे लिए आउटडोर गेम्स क्यों अच्छा है, बिकॉज उससे क्या होता है, आउटडोर गेम्स कीप अवर बॉडी फिट एंड एक्टिव, हमारी बॉडी फिट एंड एक्टिव रहती है.
एंड इंडोर गेम्स जो होते हैं उससे हमारा माइंड फिट और एक्टिव रहता है। ठीक है, नेम सम इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स के आपको नेम लिखने हैं यहाँ पे, जैसे आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, कार्ड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज थी, अब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे चैप्टर। ओके।